हाय, तो सलाम नमस्ते मेरे दोस्तों। यार आपको मैं जंगल की कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे आज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। ये जो नया ब्लॉग है मेरा, ये मशरूम हंटिंग के ऊपर है। यूक्रेन में कैसे मशरूम हंट करते हैं लोग, और कैसे सर्च करते हैं मशरूम के ऊपर, और कौन से टाइप के मशरूम ये लोग करते हैं। यार ये जो मशरूम है इसको ये सफ़ेद मशरूम कहते हैं, बिली ग्रिप इज़ द नेम ऑफ दिस। सो ये स्पेशल मशरूम होते हैं, जंगल में ही उगते हैं बेसिकली। तो हम आज उसके, आज सैटरडे है तो आज हम उसकी सर्च में निकले पूरे फैमिली के साथ। तो ये एक तरह के, यार यहाँ गांव देहातों में एक वीकेंड हो जाता है और लोगों के लिए एक एक्टिविटी भी है एक्सकर्शन की। तो हमने एक जगह फाइंड आउट करी है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रिप है, ग्रिप ही कहते हैं इसको ये यूक्रेनियन में, ग्रिप बेसिकली इसको। तो यार यही है, अभी मैं आपको दूसरी तरफ कैमरा करके दिखाऊँगा किस तरीके के ये मशरूम होते हैं। और ये मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं, 1 किलो मशरूम इसको के वन इस तो इतना बाजार। सो 1 किलो अगर सूखे हुए होते हैं तो करीबन 700 ग्रीवन, यानी के करीबन $30 से भी ऊपर का अमाउंट होता है ये। तो उस उतने तक के होते हैं ये 1 किलो। तो मैं आपको दूसरी तरफ कैमरा करके दिखाता हूँ, और आज हम आपको इस एक्सपीडिशन ट्रेजर हंट कह सकते हो या फिर मशरूम हंट, इससे आपको पूरी वीडियो, ये ब्लॉग उसके ऊपर है। तो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारे मैं आपको मशरूम और जंगल से भी रिलेटेड बातें बताऊंगा। तो दूसरी तरफ कैमरा करके दिखाता हूँ किस तरीके के होते हैं ये। ओके सो चेक आउट। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये छुपे होते हैं, और बेसिकली अगर किसी को पता नहीं है मशरूम के बारे में तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको। जैसा कि आप देख रहे हो, ये इस तरीके का ये मशरूम होता है, आप देख सकते हो कितना बड़ा है ये, है ना। ये छोटा ही है बल्कि, ठीक है। तो ये हमने एक बहुत बढ़िया जगह ढूंढ ली है, ये देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े हमने मशरूम यहाँ निकाले हुए हैं ऑलरेडी। एक वो रहा, देख रहे हो आप, तो इस तरीके से है जैसा कि आप ये देख रहे हो। यार ये उगते यार ऐसे ही है झाड़ियों में, जंगलों में। ये देख रहे हो आप कितना बड़ा है ये मशरूम, देखो कितना बड़ा है। तो मेरे भाई ये है वो मशरूम जिसको हम बिली मशरूम कहते हैं, जिसे देखो कितना खूबसूरत है ये है। तो इस तरीके से ये मशरूम उगते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और जो मैंने अभी सर्च करा है वो भी दिखाता हूँ आपको। एक तो झाड़ियों में उगते हैं, टेढ़े मेढ़े जाना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा जो जंगलों में डेंजर लगा रहता है, देखिए एक ये भी है, वो है सबसे बड़ा कि यहाँ के जंगलों में वाइपर स्नेक होता है। और वाइपर स्नेक बहुत ही ख़तरनाक सांप होता है, उसको काट ले तो आदमी की मौत हो सकती है आधे पौने घंटे में ही। तो ये देखिए एक और हमें मिला है यहाँ पे, मेरी टोपी और चाकू रखा हुआ है वहाँ पे। तो जी यार हम कल भी निकले थे मशरूम हंटिंग पे, लेकिन हमारे घर के आसपास नहीं मिले हमें। तो हमने क्या करा, आज हम जंगल में, डीप जंगल में आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इंडिया के जंगलों से बहुत अलग है यहाँ के जंगल। यहाँ पे फलों के भी आपको मिलेंगे, बेरीज़ के भी मिलेंगे, देख रहे हो आप छोटी छोटी बेरीज़ भी लगी हुई है। अब ये खाने वाली है नहीं है मुझे नहीं पता, ना दा वी कैन ईट दिस बेरीज और नो दिस रेड कलर बेरीज नो। सो ये मेरी वाइफ बोल रही है खाने वाली नहीं है, तो इनसे बच के रहना चाहिए। ओके तो दोस्तों देखो कितने सारे हमने एक ही जगह से हमने इकट्ठे कर लिए, हमने करीबन 2-2.5 किलो इकट्ठे कर लिए ऑलरेडी इस जगह से। मेरी वाइफ उस तरफ लगी है, उसकी मदर वहाँ पे, ये लोग भी ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक आगे और दिखाता हूँ अभी आपको ना इस पार्ट में से, तो स्टे ट्यून्ड। और यार ये वीडियो अच्छा लगे ना, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, यूक्रेन में जब मैं इनिशियली नया आया था, मेरे लिए बहुत अच्छा काम था जंगलों में जाके ये मशरूम इकट्ठे करना और उन्हें बेचना। ये बहुत बढ़िया बिजनेस होता है, इससे काफ़ी लोग पैसे कमा लेते हैं यहाँ पर, और एक सीज़न में मतलब काफ़ी पैसा मिल जा सकता है आपको अगर आप ढंग से ये काम करोगे एज ए प्रोफेशनल के तरीके से। तो एक सीज़न में $4,000-5,000 कमा लोगे आप इसमें, इन्हीं को बेच बेच के, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत खाते हैं, ख़रीदते भी हैं इसे। तो इट गोना बी ए गुड बिजनेस। ओके
ठीक है यार, आगे अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। ओके थैंक। सो दोस्तों यार देख रहे हो, अभी जैसे हम सर्च कर रहे हैं तो ये ज़मीन पे बिल्कुल घास के, इसके पत्तों के नीचे भी दबे होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके के होते हैं, बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, और ये ऐसे पत्तों के ऊपर ना ढके रहते हैं बिल्कुल। तो नेचुरल ग्रो होते हैं यार, इनको हम घर पे ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि जंगल में ही उगते हैं अपने आप। शैतम याद नो तम तम दू मिलेंगी मिलेंगी बात हो। तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे बहुत देख रहे हैं हम इस वाले जंगल में। तो जैसे हमने ये, मैंने अभी निकाल लिया, लोग ऐसे ही निकालते हैं यार इनको। ये देख रहे हो इस तरीके के, मेरे हाथ में आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से होते हैं ये। हाँ फिर बराबर दास है या कजू असे असे से तो देख रहे। तो दोस्तों ये इसी तरीके से रहते हैं, नीचे दबे हुए रहते हैं। तो यार दोस्तों देखो, अभी हम आ गए, ये देख रहे हो आप, इस तरीके से हमने थोड़े से खोल दिए, आपको दिख रहे हैं। ये है यहाँ पर, ये भी देखो और भी है, ये एक लगा हुआ है, ये इस तरीके के होते हैं। और यार ये दिखने में ना बड़े पत्तियों के कलर के ही होते हैं, तो बहुत मुश्किल से दिखते हैं। इसके साथ में ये वाले जो लगे हुए हैं, ये वाले ये जहरीले हैं, ये नहीं लेने हमें, ये वाले लेने। देखो उन्होंने एक ले लिया वहाँ पे, इस तरीके से ऐसे लगे हुए हैं। तो अभी जैसे इनको हमें निकालना है, तो सिंपल तरीका है, वैसे लोग चाकू से कट कर लेते हैं, नहीं तो सिंपल इस तरीके से निकाल लेते हैं। एक ऑलरेडी मैं निकाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। और जैसे कि ये यहाँ पे, ये देख रहे हो इसके साथ में छोटा सा एक स्नेल भी पड़ा हुआ है। ये उगते ऐसी जगहों पे है यार जहाँ पे नमी मिलती है, इनको मॉइस्चर रहेगा, उसके साथ में ये उगते हैं। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया, ये देखिए कितना बड़ा है, ये देख रहे हो, ये देखिए, ये इस तरीके से हम इन्हें निकालते हैं। और ये अक्सर जहाँ पे एक होगा उसके आसपास ही दो तीन और लगेंगे, वो है। ये देखिए, अब एक ही जगह से मैंने इतने सारे जो है निकाल लिए हैं, एक जगह से सिर्फ, आगे भी दिखाता हूँ। और ओके, तो दोस्तों देखो ये कैसे छुपे रहते हैं, बिल्कुल ही देख रहे हो, बिल्कुल छुपे रहते हैं रेत में अंदर, मिट्टी के अंदर, ऐसे छोटे छोटे रहते हैं। ये वाले लेने हैं हमने, ये जो दूसरे हैं ये नहीं लेने हमने। इस तरीके से आप देख रहे हो कैसे बिल्कुल ही निन्नू सा है, छोटू सा, ये देख रहे हो बिल्कुल मेरे अंगूठे के जितना ही बड़ा हुआ है शायद ये। इसको निकालना ही थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, छोटे रहते हैं टूट जाते हैं, वरना ये इनके ऊपर की टोपी जो है, देखो दिखने में छोटा था, अंदर से देखो कितना बड़ा निकला है ना, ऐसे ही रहते हैं। यही इनकी हंटिंग है यार, इनके पीछे मेहनत जितनी लगती है, ये देखो कितना बड़ा है, ये देखो यहाँ पर भी दो हैं, इनको दोनों को देख रहे हो कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये देखिए, ये हमने निकाल लिया इस तरीके से, छोटी जगह से हमें चार निकल गए। एक और भी पड़ा हुआ है, ये देखिए, एक यहाँ पे था, एक ये बड़ा पड़ा हुआ है, ये पुराना है, बट ये पुराना हो चुका है ना। तो ये थे, और सिस्टर से все погревал. Винус со скотиной тут грибов набрали. Никто не ходил раньше. Никто не было кошел трохи цей такой. А тут песку на них. Я тоже нашла хороший стеренкул. तो यार दोस्तों आज पूरे दिन, मतलब हमने 4-5 घंटे लगा दिए फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट में 4-5 घंटे लगाने के बाद आज वीकेंड का दिन है। तो यार गांव देहातों में यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, वीकेंड में अपना घर का काम इतना कुछ खास रहता नहीं है, वो सब फिनिश करके लोग जंगलों में आ जाते हैं। और इस सीज़न में क्या होता है, जब यहाँ पर ओस गिरती है, जब इवनिंग में काफ़ी ड्यू फॉल होता है, उस टाइम में फॉरेस्ट में जो है
ये फंगस ग्रो होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मशरूम ग्रो होते हैं, और उधर पे मेरी साली जो है मेरे को देख के हंस रही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज हमने कितना कलेक्शन करा है, और ये बहुत लोग यहाँ पे एज ए बिजनेस भी करते हैं, पूरे के पूरे यहाँ पे ले जाते हैं और काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। तो दूसरी तरफ से अभी दिखाता हूँ हाउ मच वी हैव कलेक्टेड टुडे, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ओके, जस्ट अभी दूसरी तरफ रहता हूँ। ओके, तो यार देखो ये है, ये देख रहे हो आप, ये सारा जो है आज ही का कलेक्शन है, ये देखो। और ये जो लकड़ी है ये आप देख रहे हो, ये घरों में लोग जो आग जलाते हैं तो उसके लिए माचिस की तिल्लियों की तरह काम आती है। ये देखो यहाँ पे भी क्लीनिंग कर रही है, देख रहे हो कितने हैं, देख रहे हो आप किस तरीके के हैं। ये देखिए मेरे हाथ से भी बड़े बड़े हैं ये सारे, तो इस तरीके से रहते हैं। Конечно, фоткай, все фоткай. Це я позабираю. Ну хай воно діє, що з торбочки десь положить. Не знімає відео. З торбочки хай положить. है। तो देखा दोस्तों आज हमने बहुत सारे मशरूम कलेक्ट करे। यहाँ पे गांव के जो लोग होते हैं हर सीज़न में कोई ना कोई जंगल में ऐसी चीज़ उगती है या फिर ग्रो होती है जिसको ये लोग बेच के साइड इनकम भी करते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। आपको जो मैंने आज एक छोटा सा, हमारे लिए तो ये कुछ नहीं था, एक वीकेंड एक्टिविटी थी वो था, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता था। बहुत सारे लोग होते हैं जो गांव देहात में रहते हैं यूक्रेन में, और उनके लिए बहुत बड़ा एक अर्निंग सोर्स होता है एक्चुअली, कि जिस तरीके से वो जंगलों में जाते हैं, चार पाँच घंटे की मेहनत होती है और एक तरीके की फैमिली एक्टिविटी होती है। लोग इंडिविजुअल भी जाते हैं जिन्हें जंगल के बारे में नॉलेज है, और वो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। मार्केट में इनका दाम काफ़ी अच्छा होता है, लोग बेचते हैं इसे मार्केट में तो काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। आज हमने करीबन नहीं तो 20-25 किलो हमने कलेक्ट करा होगा मिनिमम, हो सकता है ज़्यादा ही हो। बट अगर हम इसको बेचने जाएं तो 1 kg अगर कोई सिटी में है, इस तरीके के मशरूम दो टाइप से बेचते हैं लोग, या तो इनको ड्राई करके बेचते हैं नहीं तो इनको इसी तरीके से बेचते हैं। इस तरीके से भी बेचेंगे तो 8-10 मशरूम रहेंगे तो 100 ग्रीवन इस तरीके से, या जैसा कि रेट मैंने बताया जो सूखे होते हैं पर केजी 700 ग्रीवन बिकते हैं, यानी कि $35 के लगभग पर केजी। तो सूख के और ऑब्वियसली इनका वेट कम हो जाएगा बट उनकी कीमत भी ज़्यादा रहेगी। फिर उसी तरीके से लोग जंगलों में जाते हैं, आजकल जो सीज़न है मैंने बताया था, ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी। और जिन लोगों को फ्री में पैसे कमाने हैं, कुछ काम नहीं है, खाली टाइम पास करना है, तो जाके जंगल में चले जाएं उस तरीके से। हमारा तो कुछ और भी काम था, हम इस तरीके से गए थे, एक फैमिली का आउटिंग भी था, एक्सकर्शन ट्रिप था थोड़ा सा, तो अच्छा रहता है खाली घर पे बैठने से, कुछ काम तो आज था नहीं ऐसा, तो हमने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करा। और यहाँ पे लोगों में कॉम्पिटिशन रहता है, आजकल यूक्रेन के लोगों में क्या करते हैं कि जंगलों में जाते हैं, मशरूम कलेक्ट करते हैं, उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो बोलते हैं हाँ जी हमने भी कलेक्ट कर लिया। तो मेरी फैमिली वालों ने भी ऐसे ही कुछ करा है, तो ये है। बाकी ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि एक अच्छी एक्टिविटी है, ये लोकल एक्टिविटी है, लोकल कल्चर से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग जाते हैं और यहाँ के गांव देहातों का जो एक्चुअल यू कैन से कि अर्निंग सोर्स भी एक तरीके का, तो वो भी है, तो वो है। और बाकी आगे भी ऐसे कुछ और वीडियोस में दिखाते रहूँगा, हर सीज़न में कुछ ना कुछ ऐसा जंगलों में ग्रो होता है जो यहाँ के लोग ले जाते हैं, कलेक्ट करते हैं और उससे अच्छे पैसे कमाते हैं। तो वो था, तो इस तरीके से आज हमारा सैटरडे गुजरा है, ठीक है? अगर हम इनको बेचने जाए तो पैसे मिल सकते हैं, बट हम ये घर के पर्पज से है, इनको ड्राई करके ये लोग शायद से अभी एक दो बारी और जाएंगे फॉरेस्ट में, और फिर साल भर ड्राई करके इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसे,
इसको सूप में डालते हैं और किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में भी टेस्ट अच्छा होता है। पर थोड़ा एहतियात रखना पड़ता है, कौन से मशरूम ले, कौन से मशरूम जंगल से कलेक्ट करें, कौन से ना करें, क्योंकि बहुत सारे पॉइजनस भी होते हैं। बट जो हमने दिखाया ये सफ़ेद मशरूम, बीली मशरूम कहते हैं इन्हें यहाँ की भाषा में, बीली ग्रिप, तो वो हमने कलेक्ट करे आज। तो ये था आज का वीडियो और होप आपको पसंद आएगा। अगर जंगल से रिलेटेड यहाँ से या कुछ और चीज़ से रिलेटेड आपको कोई कमेंट करना है या एडवाइस है, क्वेरी है, प्लीज़ आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कभी भी मैसेज करें या फिर आपके आइडियाज़ या क्वेरी शेयर करें। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बात करके और आंसर करके आपके क्वेरीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लोग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही यूक्रेन के कल्चर से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड आपके सामने वीडियोस पेश करता रहता हूं और इसी तरीके से आपको और भी एक्सपोज करूंगा यहां के लोकल लाइफ से। सिटी की लाइफ तो बहुत अच्छी है ही, कंफर्टेबल है, बट एक्चुअल जो यूक्रेन है वो यहां के विलेजों में बसता है। तो यहाँ के लोगों का कल्चर भी दिखाऊंगा कि कितने खुशमिजाज हैं लोग, क्या करते हैं क्या नहीं करते, जीवन का लाइफस्टाइल कैसा है उनका, ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो पसंद आए काम मेरा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।